केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कानूनों का किसानों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में किसान दिल्ली में पिछले 1.5 महीने से जमे हुए हैं। अब 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की भी घोषणा किसानों द्वारा की गई है। इसी के मद्देनजर आज जनपद हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन के जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने एक मीटिंग बुलाकर इसकी रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है। सरपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज यहाँ एक मीटिंग रखी गई है, क्या उद्देश्य है मीटिंग रखने का? आज जो हमारे जिले की जिलाध्यक्ष जी ने जो मीटिंग बुलाई है, उसका उद्देश्य है 26 तारीख की परेड की तैयारी करना। ट्रैक्टर गांवों से कैसे पहुँचे, कार्यकर्ताओं को क्या जिम्मेदारी दी जाए, किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, आज इसलिए ये हापुड़ कार्यालय पे हापुड़ जिले की अध्यक्ष जी। हापुड़ जिले से लगभग कितने ट्रैक्टर जाने हैं? हापुड़ जिले का हमारा अपना टारगेट जो है, लक्ष्य जो है, वो 500 ट्रैक्टरों का है। क्या 26 जनवरी के दिन आप जिस तरीके से सरकार से आपका गतिरोध चल रहा है, क्या आपको उम्मीद है कि आपको रैली निकालने दी जाएगी? सरकार है, वो कुछ भी कर सकती है, हमारा काम है विरोध करना। हम 26 तारीख में ये दर्शाना चाहते हैं देश को कि सरकार कह रही है कि फलाना गैंग आतंकवादी खालिस्तानी, हम उस दिन ये परीक्षा की घड़ी है कि कौन खालिस्तानी है, कौन देश के किसान पर गोली चलवाता है, कौन देश के किसान को जो है लाठियों से पिटवाता है, कौन देश के किसान पर पानी की बौछार चलाता है, देश का किसान तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के माने तो हापुड़ जनपद से करीब 500 ट्रैक्टर 25 जनवरी को ही दिल्ली के लिए कूच कर जाएंगे। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए आज की यह मीटिंग बुलाई गई है। वहीं जब कार्यकर्ताओं से पूछा गया कि अगर सरकार ने उनको ट्रैक्टर मार्च नहीं निकालने दिया तो उनकी आगे की रणनीति क्या होगी, इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम पिछले काफी टाइम से इन 3 काले कानूनों का विरोध करते आ रहे हैं। आज जो भारतीय किसान यूनियन की यहाँ एक मीटिंग की गई है, इसमें क्या निर्णय लिया गया है? 26 तारीख में जो किसानों का ट्रैक्टर मार्च का है, उसके बारे में हम अपनी योजना बना रहे हैं। हापुड़ जिले से कितने ट्रैक्टर गांव वाइज जाने, उसके बारे में हम अपनी मीटिंग कर रहे हैं। क्या राष्ट्रीय स्तर से कोई टारगेट भी दिया गया है जनपद के लिए कि इतने ट्रैक्टर पहुँचने चाहिए? हमें 500 ट्रैक्टर का टारगेट दिया गया, हम 600 ट्रैक्टर ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर सरकार आपको ट्रैक्टर रैली नहीं निकालने देती है तो उस स्थिति में क्या आप करने वाले हैं? देखो, हमें तो अपना आंदोलन है, वो हम कहीं भी रोकें, कुछ भी करें, गोली चलावें, कुछ भी करें, हम अपनी तैयारी फुल करके जाएंगे। सरकार की बड़ी पावर होगी, वो कुछ भी कर सकती है। सरकार से हमें टकराव नहीं करना, वो कुछ भी करें, हम अपने हाथ डाउन रखेंगे, सरकार कुछ भी कर सकती है, बहुत पावर है। और 26 जनवरी में ट्रैक्टर रैली निकालकर हम यह सिद्ध करना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे प्रदर्शन को कभी खालिस्तानी का नाम लेकर, कभी पाकिस्तानी है और कभी विदेशियों का नाम लेकर बदनाम किया गया था, अब हम यह सिद्ध करेंगे कि हम देशभक्त हैं। हमारे देशभक्ति पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो ऐसे में लोगों के लिए यही हमारा जवाब होगा। आज जो भारतीय किसान यूनियन द्वारा मीटिंग की गई है, क्या इसमें निर्णय लिया गया है और क्या क्या लोगों को जिम्मेदारी दी गई है? इसमें जो है 26 तारीख के लिए जो ट्रैक्टर परेड निकलेगी, उसकी तैयारी की गई है और सब जितने कार्यकर्ता हैं सबको जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर निकालें। तो लगभग कितने ट्रैक्टर यहाँ से जाएंगे? लगभग हमारा जो है 500 ट्रैक्टरों का टारगेट है, 500 ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो ट्रैक्टर रैली आप यहाँ से लेकर जाएंगे, ये 25 तारीख में लेकर जाएंगे, 26 तारीख में लेकर जाएंगे? हम इसे 25 तारीख की लेकर जाएंगे, 26 में सुबह नहीं पहुँचा जाएगा, क्योंकि सरकार तो सरकार है, किसानों से कहीं अधिक बलशाली है। अगर वह चाहे तो हमारे ऊपर गोलियां चलवाए या लाठी चार्ज करे, किसान कुछ भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे हमारा यह आंदोलन बदनाम हो। अब देखना होगा कि सरकार हमें ट्रैक्टर रैली निकालने देती है या हम पर बल का प्रयोग कर हमारी इस ट्रैक्टर रैली को रोकना चाहती है।